हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पुराने ब्रांड के पीसेस से बहुत ही यूज़फुल चीज़। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने दो पुरानी पैंट के स्क्रैप लिए हुए हैं जो कि मैंने स्क्वायर पीस में कट किया है और दो मैंने पतले पतले स्ट्रिप में कट किया है। अब दोनों साइड से हम एक एक इंच छोड़ कर ये जो छोटी वाली स्ट्रिप है वो हमें इसके सेंटर में लगा देनी है। तो देखिए, मैंने इस तरीके से इसमें दोनों साइड से इसकी स्टिचिंग कर दी है। तो बहुत ही आसान है इसको बनाना और बनकर बहुत ही प्यारा ये रेडी होगा। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इस तरीके से ज्वाइंट कर दिया। अब ऐसे ही हमें कोई भी राइस बैग लेना है या फोम शीट लेना है और उसके बाद इसी शेप का हम उसको भी कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे देखिए इसको भी कट कर लिया और दोनों साइड से ज्वाइंट कर लिया है। तो बस सिंपली हमें ऐसे ही इसको भी ज्वाइंट कर लेना है। इसके बाद हमें करना क्या है, कोई भी कपड़ा लेना है जो कि इससे मैचिंग वगैरह का हो तो इसको भी हमें सेम प्रोसेस से कट कर लेना है जैसे कि मैंने इसको कट किया है। तो बस इसके ऊपर हम इसको रखेंगे और इसको भी हम कट कर लेंगे। तो यहाँ से इसे भी मैंने कट कर लिया है और इसे कट करने के बाद इसको ज्वाइंट नहीं करेंगे, इसको अलग रखेंगे। अलग रखने के बाद बस ऐसे इसको पलटेंगे और दोनों साइड से हमें स्टिचिंग कर लेनी है। तो यहाँ से हमें एक सिलाई लगा देनी है और यहाँ से हमें एक सिलाई लगा देनी है। तो सेम हमें इसको भी करना है, दोनों साइड से हमें इसको भी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ से इसको भी सिलाई लगा लेनी है और इसको भी सिलाई लगा देनी है। तो दोनों जैसे मैंने उसका किया था वैसे ही हमें इसको भी सिलाई कर देनी है। तो ये देखिए ऐसे कर देना है। अब ये नीचे का जो कट है उसको हमें ऐसे पकड़कर सिलाई को बीच में लाकर इसको भी स्टिचिंग कर देना है और सेम हमें ऐसी ही स्टिचिंग उस वाले कपड़े में भी कर लेनी है। तो ये देखिए, ये बनकर ऐसे तैयार होगा। उसके बाद अब हमें इसको सीधा कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने राइस बैग का यूज़ किया है। आप यहाँ पे फोम शीट ले सकते हैं, बुकरम ले सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके का मैंने यहाँ पे इसको सीधा कर दिया है। अब हमें करना क्या है, इसको मैंने यहाँ पे सीधा रखा है लेकिन जो मैंने ये कपड़े वाला बनाया हुआ है वो मैं इसको उल्टा रखूँगी, उल्टा रखूँगी। और यहाँ पर जो ये दो साइड मैंने स्टिचिंग लगाई है इसमें मैंने बीच से थोड़ी स्टिचिंग छोड़ दी है। तो ऐसे ही हमें इसको सिलाई कर लेनी है। इसके बाद हमें करना क्या है, ये जो मैंने सीधा किया हुआ था उसको हमें इसके अंदर डाल देना है। ये वाला कपड़ा वाला हमारा उल्टा रहेगा और ये वाला सीधा रहेगा। उसके बाद इसको हमें इसके अंदर डाल देना है। तो ये देखिए ऐसे करके हम इसके अंदर इसको डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा अगर आपका बड़ा लग रहा हो तो आप इसको कट कर लें, नहीं है सेम साइज़ है तो आप इसको ऐसे ही रहने दें। तो यहाँ पे मुझे ये थोड़ा बड़ा लग रहा है तो मैं यहाँ से इसको कट कर लूँगी। इसके बाद हमें करना क्या है, इसी में इसको ज्वाइंट कर देना है, ये कपड़े को और इसके कपड़े को इसमें ऐसे ज्वाइंट कर लेना है। तो चलिए हम ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने अच्छे से इसको गोलाई में ज्वाइंट कर लिया है, सिलाई लगा दी। अब जो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा खोला हुआ था उसको हम यहाँ से अंदर से खींच लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम इसको सीधा कर लेंगे। तो ये बहुत ही अच्छे से आपका सीधा हो गया, बराबर से कॉर्नर्स को निकाल देंगे। यहाँ पे इसको निकालने के बाद ये देखिए, यहाँ पे इस तरीके से जो मैंने ओपन रखा हुआ था इसको अब हमें इस सिलाई लगा कर बंद कर देना है। ऐसे करके सिलाई लगा लेनी है हल्की सी, तो ये बंद हो जाएगा। तो बस इसको सिलाई करने के बाद आप इसको अंदर कर दें। तो ये सिलाई हो गई है, अब हम इसको इसके बैग के अंदर कर देंगे। तो ये देखिए ऐसे करके ये इसमें अंदर की ओर आ गया, सारी सिलाइयाँ आपकी यहाँ पर छुप गई है। और यहाँ पे अब हम करना क्या है, कॉर्नर से इसको फिनिशिंग के लिए एक सिलाई लगा देना है ताकि अच्छे से फिनिश हो जाए। तो ये देखिए इस तरीके से ये बहुत ही अच्छे से फिनिश हो गया है। अब हमें इसके हैंडल्स बनानी है। तो हैंडल्स बनाने के लिए मैंने जो दूसरी स्ट्रिप कट की थी उसमें से मैंने हाफ़ कर लिया है और एक पतली स्ट्रिप को मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद इसमें साइड से हम सिलाई लगाएंगे।
सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको सीधा करेंगे। तो सीधा हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें लेना है सुई धागा और इसमें से हमें सुई को निकालना है धीरे धीरे, और अब फिर हमें ऐसे ऐसे करके दूसरे साइड से सुई को खींच लेना है। तो जब हम ऐसे ऐसे करेंगे तो ये कपड़ा जो है ये इधर आता रहेगा, और जब हम सुई को खींचेंगे इस तरीके से तो ये कपड़ा हमारा बाहर की ओर आता रहेगा। तो ये देखिए ये कपड़ा इधर से निकल गया है, और बस अब हम इसको खींच लेंगे। इस तरीके से खींचकर इसको हम सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए ऐसे करके हम इसको सीधा कर लेंगे। इसके बाद हमें करना क्या है, कोई भी ओल्ड बैंगल लेनी है मेटल की, और इसको अब हम बीच से कट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप इसको कट कर लें, और इसको थोड़ा सा गैप दे देंगे, जितना साइज़ आपको हैंडल का रखना है उसी हिसाब से, और बस ये जो मैंने स्ट्रिप बनाई हुई है इसके अंदर डाल देंगे। इससे आपका हैंडल जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और यहाँ पे आप इजली इसको अटैच भी कर सकते हैं। तो ये देखिए ऐसे करके ये मैंने थोड़ा सा इसमें चूनट दे दिए ताकि ये थोड़ा और स्टाइलिश लगे, और यहाँ पे हम इसको ऐसे कर लेंगे। तो सेम ऐसे ही हम दूसरा भी बना लेंगे। तो अब हमें करना क्या है, दोनों का साइज़ देख लेना है। दोनों का साइज़ देख के अब हमें इसको वन बाय वन करके इसमें ज्वाइंट कर देना है। तो पहले हम कॉर्नर्स को अच्छे से टाइट कर लेंगे। और यहाँ से अच्छे से धागे को लपेट देंगे जिससे कि अच्छे से लॉक हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे ग्लू गन से भी इसको स्टिक कर सकते हैं। तो बस ऐसे करके ये दोनों साइड से स्टॉप कर दें, और इसके बाद कट कर लें, और फिर इसको हम बिल्कुल बैग के सेंटर में लगा दें। तो दोनों साइड का हम ऐसे ही कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे इसको रख कर हमें यहाँ से इसको ज्वाइंट कर लेना है। दोनों साइड का सेंटर देख लेना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे इसको लगा देना है। तो मैं ऐसे ही दोनों साइड में बैक को हैंडल को अटैच कर दूँगी। तो ये देखिए मैंने अंदर से ही इसको अटैच किया, बाहर मैंने इसकी स्टिचिंग नहीं लगाई है, अंदर से ही मैंने दोनों तरफ से इसको अटैच कर दिया है। तो काफ़ी अच्छे से स्ट्रांगली अटैच हो गया है। अब हमें करना क्या है, मैंने यहाँ पर दूसरा पैंट का पीस लिया हुआ है, और इसको मैंने कट कर लिया स्क्वायर पीस में, और एक पीस पे मैंने इसे डिज़ाइन बना ली है लीव्स की, जिसे हमें कर लेना है कट। कट करने के पहले हमें यहाँ पे स्टिचिंग लगा देनी है, और स्टिचिंग लगाकर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। स्टिचिंग लगाकर कटिंग करने के बाद ये मैंने इसको सीधा कर लिया। तो ये इस तरीके की आपकी लीव्स बनकर तैयार हो जाएगी। तो ऐसे ही हमें चार बड़ी और चार छोटी लीव्स बना लेनी है। तो बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार हो जाएगी, और इस तरीके से सिलाई लगाकर आप इसको सीधा कर लें। तो ये देखिए ऐसे हो गया है। अब हमें करना क्या है, इसको बीच से ऐसे थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है। लीव जो हमने बनाई है उसको बीच से ऐसे फोल्ड कर लेना है, और सुई धागे की मदद से यहाँ पे ऐसे स्टिच कर लेना है। अगर आप सुई धागे से नहीं स्टिच करना चाहते तो आप यहाँ पर ग्लू गन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फैब्रिक ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको टाइटली सुई धागे से स्टिच किया है। तो इस तरीके से बीच के सेंटर से हम स्टार्ट करेंगे। पहले मैंने लीव को फोल्ड किया है, और उसके बाद हम यहाँ पे इसको ज्वाइन करेंगे। तो ऐसे करके हम चारों तरफ डायरेक्शन में लगा देंगे, और फिर बीच के छोटे छोटे जो मैंने पीसेस बनाए थे वो मैंने बीच के डायरेक्शन में लगा दिए हैं। तो इस तरीके से आप इसको पूरा अटैच कर लें। इसके बाद अब हमें करना क्या है, यहाँ पर लिया है मैंने एक दूसरे पैंट का सर्कल पीस, और इसको हम चारों तरफ से ऐसे घुमा देंगे। तो धागे को मैंने इस तरीके से घुमा दिया है, धागा मैंने अभी कट नहीं किया है, और इसमें हम डाल देंगे थोड़े से कॉटन्स, और इसके बाद अब हम इस धागे को खींच देंगे। तो ये हमारा प्यारा सा बटन बनकर तैयार हो जाएगा, और इसके बाद अब हम इसकी स्टिचिंग लगा देंगे। स्टिचिंग लगाने के बाद यहाँ के बीच के सेंटर में हम इसको अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने बीच के सेंटर में इसको बिल्कुल रखा है, और इसी तरीके से हम इसको अटैच कर देंगे। तो ये देखिए, तो ये हमारा बहुत ही प्यारा सा
बैग बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा इसका लुक आ रहा है और ये मैंने हैंडमेड बनाया है तो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है इसको बनाते। और इस तरीके से बेकार पैंट की मदद से, बेकार जैकेट के कपड़े की मदद से आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं और इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये आइडिया कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो 1 लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। Thanks for watching. Bye-bye.